ये बस पूरा बंद था, नहीं वो बजा नहीं सकता था, फिर मैंने इसको काट के फिर बजाने शुरू कर दी। दो पैसे नहीं है, बस 200-300 लाता हूँ घर पे। जो चाइनीज में यार कौन सा म्यूजिक होता है, जरा थोड़े सुना दो। इसको नहीं आता है, बाकी ये ढोल बजाता है, 200-300 लेके आता है, हम खाते हैं बस, झोपड़े में रहते हैं। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं मेटाटेनमेंट और मैं हूं अंजार अहमद। मैं आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं एक ज़बरदस्त टैलेंट से। मैं मौजूद हूं कराची के इलाके हॉक्स बे में मौजूद मुशर्रफ कॉलोनी की इन झोपड़ियों में, और इन झोपड़ियों में छिपा हुआ टैलेंट आमिर अली मेरे साथ मौजूद है। एक प्लास्टिक की बॉटल से क्या ज़बरदस्त म्यूज़िक और ढोल बजाते हैं, देखने और सुनने वाले हैरान रह जाएंगे। तो इनसे पहले इनका म्यूज़िक सुनते हैं और उसके बाद इनसे बात करेंगे। तो आमिर कुछ सुना दें यार जो आप बजाते हैं और बहुत ज़बरदस्त बजाते हैं, तो प्लीज़ सुनाएं। अच्छा आमिर, ये बताओ यार, ये प्लास्टिक की बॉटल से इतना ज़बरदस्त म्यूज़िक बजा रहे हो, ये कहाँ से सीखा? ये छोटा था बस, ये बस कंप्यूटर में सीखा हूँ मैंने, बोला ये बोतल बजा लूँगा। बोतल को कैसे काटा, कैसे दिमाग में आया यार मैं इससे जो इतना ज़बरदस्त ढोल बजाऊँगा, इसको कैसे काट वाट के बनाया? ये बस पूरा बंद था, नहीं वो बजा नहीं सकता था, फिर मैंने इसको काट के फिर बजाने शुरू कर दिया, छोटा था। अच्छा लोग सुनते हैं तो क्या बोलते हैं, ये जो आप बजाते हो लोग आपको क्या बोलते हैं, ये ज़बरदस्त बजा रहे हैं या क्या क्या बातें बोलते हैं? ये बोलते हैं तुम अच्छा से बजाते हो, बोलते तेरे को लेके जाएंगे शादी में, पार्टी में, हॉक्स बे में। ये बस सुन के सब आते हैं इधर, लेके जाते हैं फिर। तो जब ढोल बजाते हो शादियों में तो क्या बोलते हैं लोग? बोला अच्छे से बजाते हो, तुम कहाँ से सीखे? मैंने बोला ये छोटा था, बचपन से सीखा मैंने। तो कभी आपने सोचा कि यार मैं जो है वो उसमें और सीखूं और जो है वो एक ढोल हो जाए? तो ढोल वोल नहीं खरीदा कभी? ढोल पैसे नहीं है ना, बस 200-300 लाता हूँ घर पे, देता हूँ ना अम्मी अब्बू को देता हूँ। अच्छा तो आप शादी में सिर्फ ढोल बजा के जो है वो पैसे कमाते हो? हाँ। और इसी केन से ढोल बजाते हो? हाँ। अच्छा कितने जो है वो पैसे एक दिन में कमा लेते हो, कभी काम होता है नहीं होता है? काम तो नहीं होता है, पर ये ढोल बजाता हूँ सुबह लेके जाता हूँ, 500-600 कमाता हूँ, गा के घर पे अम्मी अब्बू को देता हूँ। और बाकी क्या करते हो दिन भर और क्या काम हो? बस यही ढोल लेके जाता हूँ, काम तो कुछ नहीं, यही ढोल लेके जाता हूँ। अच्छा इसमें भी आपने जो है कौन कौन सा म्यूज़िक सीखा है? आपने 2-3 म्यूज़िक सीखे हैं, ज़रा बता दो। ये मैंने सीखे हैं इंग्लिश सीखा है, उर्दू और डिस्को और चाइनीज। अच्छा चाइनीज में यार कौन सा म्यूज़िक होता है, ज़रा थोड़े सुना दो। अच्छा हमारे साथ आमिर अली के वालिद भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब्बा ये बताएं कि ये जब बजाता है तो आप लोग क्या इसको हौसला देते हैं, मना करते हैं या बोलते हैं यार ये काम छोड़ के कोई मजदूरी करो? मजदूरी इसको नहीं आता है, बाकी ये ढोल बजाता है, 200-300 लेके आता है, हम खाते हैं बस, झोपड़े में रहते हैं। 12-13 हुए, कोई भी हमारे पास नहीं आता है कि यार क्या को देंगे जगह जहाँ से, कुछ भी नहीं है। आप झोपड़ी में रहते हैं, ये यहाँ पे बारिश भी हो तो आपका कोई ठिकाना नहीं, ऐसा टैलेंट भी है, इतना ज़बरदस्त टैलेंट, तो आप झोपड़ियों में रहते हैं, कोई बच्चे के साथ अपनी झोपड़ी में रहते हैं, कोई पता ये वो कली देते हैं, कुछ बचा हो जाता है, बस ऐसे ही रहते हैं। हम रह गए इधर, अभी किधर जाएं, अभी को ठिकाना भी नहीं है।
वो जगह भी नहीं है, अपना जो उधर जाए बस इधर ही रहते हैं। अच्छा, ये माशाल्लाह से आमिर लोग इसका म्यूज़िक ढोल सुनते हैं तो क्या बोलते हैं आप? कहते हैं कि अच्छा बजाता है वो, कोई शादी में लेके जाता है 200-300 देता है इसको, जो शादी दादी नहीं होता है हाथ पे जाता है उधर उधर 200-300 लेके आता है, बस इससे दूसरा मजदूरी नहीं है। आप क्या चाहते हैं ये मुस्तकबिल में क्या करे? हम चाहते हैं कि अच्छा बजाए और दूसरे जगह पे ज़्यादा कमाए, हाँ तालीम भी हासिल करें। हाँ, ये ढोल से और तो नहीं है, चारा भी नहीं है। आमिर अली झोपड़ियों में छिपा हुआ एक ऐसा टैलेंट जो कि ढोल तो बहुत ज़बरदस्त बजाता है। इस पानी के केन से ये शादियों में ढोल बजा के 200-300 की दिहाड़ी तो कमा रहा है, लेकिन ये एक ऐसा टैलेंट मौजूद है जो हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री अगर इस पे तवज्जा दे तो ये आगे जाके पाकिस्तान समेत, अपना नाम समेत, इन झोपड़ियों में छिपे हुए टैलेंट समेत तमाम लोगों का नाम रोशन कर सकता है और इसी तरह से अच्छा म्यूज़िक हमें दे सकता है। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। देखते रहें मैटर।